हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिखा रही हूँ आपको प्रिंट्स कट ब्लाउज। और ये फ्रंट से ओपन है, इसमें मैं पैड नहीं लगाऊंगी। और इसका मैं नाप बता देती हूँ, सीना है इसका 36 इंच। जितना सीना होता है उसका हम 1/4 करते हैं, 9 इंच आया। इसमें हम प्रिंट्स कट ब्लाउज में 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 12 इंच। लंबाई मुझे चाहिए इसमें 14 इंच, तो इसमें भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो ये हो गया 16 इंच। सबसे पहले हम लंबाई चौड़ाई लेंगे। ये मैंने 16 इंच लंबाई ली हुई है, और यहाँ से थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है सिलाई में, जो दबाव जाएगा कपड़े का। इसके बाद से 12 इंच ये मैंने चौड़ाई ली है। अब मैं इसमें निशान दे रही हूँ गले तीरे मुड्ढे का। सबसे पहले मैं तीरे का निशान दूंगी, ये तो हमारा एक्स्ट्रा ही रहेगा। यहाँ से 5.5 इंच तीरे का निशान और 5.5 इंच है मुड्ढे का निशान। तो ये मैंने 5.5 इंच मुड्ढे का निशान दे दिया है, ये सीधा मिला दिया। यहाँ कॉर्नर से 1 इंच पे गोलाई दी है, एक गोलाई हम अंदर की साइड भी देते हैं, 1 इंच अंदर लेके इस तरीके से, इसको गहरी कटिंग बोलते हैं। अब मैं इसमें प्लेट का निशान दे रही हूँ, जो कट आता है फ्रिंज का। यहाँ से हम 3.5 इंच की दूरी पे एक प्लेट का निशान देते हैं नॉर्मल ब्लाउज में, और ऊपर से 10.5 इंच पे डॉट पॉइंट देंगे हम। ये हम सिंपल ब्लाउज में जैसे पहली प्लेट डालते हैं उस तरीके से देंगे। इसके बाद यहाँ से 1/4 इंच दूर इधर 1/4 इंच हमें इस साइड में निशान देना है, और 1/4 इंच इस साइड में। इस पॉइंट से हमें इस निशान को ऐसे मिला देना है, और इधर की साइड से हमें पहले 2 इंच सीधा निशान देना है, उसके बाद इसको ऐसे मिलाना है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम एक प्लेट डालते हैं साइड की, तो वहाँ से इसको इस तरीके से मिलाना है। गोल शेप आनी चाहिए ऐसे। यहाँ पे जो हम प्लेट लगाते हैं सिलाई करते हैं जैसे इस तरीके से मोड़ के, तो यहाँ पर हम उसको कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके तब सिलेंगे। तो ये जो प्लेट की कटिंग है जो हमने मोड़ना होता है उसको हम पहले काट लेते हैं। इसमें मैं 3 इंच मार्जिन इसलिए लेती हूँ क्योंकि जो हम ये कटिंग करते हैं फिर इसके बाद इसे सिलते हैं, तो 1 इंच कम से कम इसमें सिलाई में दब जाता है कपड़ा। तो कम से कम हमें प्रिंट्स कट ब्लाउज में 3 इंच मार्जिन लेना चाहिए फ्रंट साइड में, और बैक साइड में 2 इंच मार्जिन लेना चाहिए। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। इसमें हम कमर की तिरछी शेप नहीं देते हैं, जो भी शेप आती है वो यहीं से ही आती है। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अभी मैंने ये पार्ट नहीं काटा है क्योंकि मैं इसी को रख के बैक साइड का काटूंगी। बैक साइड में मुझे डिजाइन डालना है, तो मैं उसकी भी कटिंग थोड़ी अलग तरीके से कर रही हूँ। सबसे पहले हम 2.5 इंच का गला ले लेंगे। ये 2.5 इंच का मैंने, ये तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, 2.5 इंच यहाँ पे और 2.5 इंच ही नीचे। ये सीधा निशान लगा के इतना कपड़ा हमें बाहर की साइड निकाल के रखना है। ये डिजाइनर ब्लाउज बना रही हूँ, ये कम कपड़े में भी बन जाता है। हमें बैक साइड में गले की कटिंग नहीं करनी है, जितना गला होता है उतना हमें कपड़ा काट के हटा देना है। तो ये मैंने बैक साइड की कटिंग कर दी है, और ये देखो इसमें गला नहीं रखा है बिल्कुल भी। इस पार्ट को मैं बिल्कुल अलग कर दूंगी।
अब मैं ये फ्रंट की कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है, ये देखो, ये बीच वाली लाइन नहीं काटते हैं, दोनों साइडों की लाइन कटिंग करते हैं। यहाँ से गहरी कटिंग कर दी है और ये प्लेट की कटिंग कर दी है। अब मैं इस वाले पार्ट को नेट पर रख कर कच्चा करूँगी, पहले सेट कर दूँगी इस तरीके से बिल्कुल बीच सेंटर में। ये मैंने सीधी नेट पर अस्तर को रखा था और उसको पलट दिया है। अब नेट उल्टी है, अस्तर सीधा है, तो इसके ये इसलिए मैंने पलटा है कि गला हमें साफ साफ दिखाई दे। अब इसके गले के किनारे किनारे हमें मशीन चलानी है और ये बिल्कुल बीच सेंटर में सेट करके पिन से सेटिंग करनी है इसकी। ये मैंने गले को पिन से सेट कर दिया है। ये नेट थोड़ी हिलती भी है तो मैं इसका पहले नाप दिखा देती हूँ। ये देखो, ये 3.25 इंच पे आ रहा है और यहाँ भी ये 3.25 इंच पे आ रहा है। तो हमने इसको पिन से सेट कर दिया है। अब मुझे इस गले के बिल्कुल टच में सिलाई लगानी है, वो मैं करके दिखाती हूँ। सेट कर दिया है, ये हिस्सा मैं बिल्कुल ओपन रखूंगी और यहाँ मुझे एक डिजाइन डालना है लेस से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने बराबर डिस्टेंस पे पिन लगा लिए हैं दोनों साइडों में। तो सबसे पहले हम इसकी इस साइड को सिलेंगे सीधा सीधा। इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके सिल लूँगी मैं। ये मैंने सिल के तैयार की हुई है। इस पट्टी के ऊपर मुझे लैस लगानी है।
ये मैंने पट्टी पर लैस भी लगा दी है, ये देखो, ये जो मैंने गैप छोड़ा था इस गैप के बीच में, अब मैं इस पट्टी को लगाने वाली हूँ। इस तरीके से इस गले का डिजाइन आएगा। एक पट्टी यहाँ आएगी और एक यहाँ आएगी, इसको मैं सेट करने के बाद दिखाऊंगी।